जेलशीट जो दो हिस्से वाला है वो, और ये कवरिंग टैप, ये दो ही हिस्से स्किन के ऊपर जाएंगे, और तीसरा जो हिस्सा है वो ये कंपलसरी ये बॉक्स के अंदर रहना चाहिए या फिर कोई किसी भी प्लास्टिक की बैग के अंदर रहना चाहिए। तीन में से कोई भी हिस्सा अगर गुम होता है तो तीनों हिस्से हमें साथ में लेना पड़ेगा, कोई एक हिस्सा अलग से नहीं आता है, तो हमें बहुत उसे अच्छी तरह से संभालना है और ध्यान रखना है कि कहीं कुछ भी मिस ना हो जाए। अब उसको कैसे धोना है वहाँ पर वो आपको समझाते हैं। धोने के टाइम पर आपको क्या करना है, दो ठंडे पानी की दो थाली लेनी है, ठंडा पानी यानी नल का टैप वाटर, नॉर्मल टैप वाटर, फ्रिज का पानी लेने की ज़रूरत नहीं है। ठंडे पानी की दो थाली लीजिए, एक में आप साबुन रखिए, डव वाला करके साबुन आता है, डव करके आता है वो रखिए, ग्लिसरीन बेस वाला है, और उसके बाद 5 मिनट के लिए साबुन वाले पानी में ये दोनों को अलग करके रखना है, दोनों को यानी ये वाले दो लेयर को अलग करना है, गलती से नेट और जाली को अलग नहीं करना है, अलग करने जाएंगे तो टूट जाएगा। अब ये दो हिस्सों को अलग किया, अलग करने के बाद 5 मिनट के लिए साबुन वाली थाली में रखिए, 5 मिनट के बाद उसमें से निकाल के 5 मिनट के लिए सादे पानी में रखिए ताकि साबुन वाला पानी चला जाए। अब साफ कपड़ों से उसको पोंछ लीजिए, इसको सुखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन इसके अंदर गाँव में इसलिए इसको सुखाने की ज़रूरत पड़ेगी। अच्छा, इसको सुखाने के लिए अगर हम ज़मीन पर सुखाते हैं तो वो मैला होगा, तो ज़मीन पर ना सुखाते हुए इसको ये प्लास्टिक के ट्रे के ऊपर बिछा देना है, 5 मिनट पंखे के नीचे दोनों साइड से आपको सुखाना है, 5 मिनट ऐसे और 5 मिनट ऐसे, और ये जब सूखता है ना, जब सुखाने की प्रोसेस चलती है तो ये कवरिंग टैप को आपको इसके ऊपर कवर नहीं करना है, इसको कंपल्सरी इसके बॉक्स के अंदर रख देना है या फिर प्लास्टिक के बैग के अंदर रख के उसको आपको लॉक कर देना है। ये हमने आप पहले भी बताया कि तीनों में से कोई भी हिस्सा अगर गुम होता है तो आपको पूरा एक प्रोडक्ट नया लेना पड़ेगा, तो वो ध्यान रखना है। जैसे ही 5-10 मिनट के बाद ये सूख जाता है, दोबारा तुरंत हम उसको इससे निकाल के सुनिश्चित करें कि हम गम वाला हिस्सा जो है वो नीचे की ओर रखें, जाली वाला हिस्सा बाहर की ओर रखें, और जाली वाले हिस्से के साथ ये कवरिंग टैप हम कवर करें। लगाने टाइम आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि ये जो पोर्शन है वो स्ट्रेचेबल है, हालांकि ये स्ट्रेचेबल नहीं है और ये ट्रे भी जो है वो स्ट्रेचेबल नहीं है, तो अगर हम ध्यान नहीं रखेंगे तो ये हिस्सा अपने आप स्ट्रेच होने वाला है, फिर भी हमें ध्यान रखना है कि ज़्यादा स्ट्रेच नहीं हो और उसको अच्छी तरह से हम उसके ऊपर लगा पाए। अब ये तीसरी और आखिरी पोजीशन आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जब पहनना है तो गम वाला पोर्शन नीचे गया, जाली वाला ऊपर आ, जाली वाले इसी के साथ एक कवरिंग टैप लग गया, जब नहीं पहनना है कोई प्रोडक्ट किसी कारण से तो जो गम वाला हिस्सा जो स्किन के ऊपर लगा था वही हिस्सा उल्टा करके हमें इसके ऊपर लगा, ट्रे के ऊपर लगा देना है। जैसे कि आप देख रहे हो हमें ट्रे के ऊपर हिस्सा लगा रहे हैं जिसमें गम अंदर चला गया, जो गम लगाने के टाइम पे बाहर था वही गम जब नहीं पहनना है तो ऐसे ऊपर आ जाएगा और इसके साथ ये कवरिंग टैप लग जाएगा। यानी जो पहले क्या था, लगाने के टाइम पे गम वाला हिस्सा अंदर था, जाली वाला हिस्सा ऊपर था और जाली वाले हिस्से के साथ एक गुलाबी कलर की पट्टी कवरिंग टैप थी, जब नहीं लगाना था तो गम वाला हिस्सा ऊपर आ गया, जाली वाला नीचे चला गया, और जो जाली वाले हिस्से के साथ एक कवरिंग टैप थी वो अभी गम वाले हिस्से के साथ आ गई। ये उसका कंपनी का ओरिजिनल पैकिंग हो गया। बस आपको इस तरीके से डेली आपको लगाना है, डेली वॉश करना है, और हर दो महीने के अंतराल पर आपको, जब तक ये आपका स्कार ठीक नहीं होता है, आपको ये प्रोडक्ट रिपीट करना है। थैंक यू।